Thank you.
ख्वाजा के एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत पीर अतर अली शाह अली का आज विसाल हुआ है। और ये अल्लाह के सच्चे वली थे, जहाँ इनकी बारगाहों में दिन में हज़ारों की तादाद में लोग अपनी परेशानियाँ लेकर के हाजिर होते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया इकराम को ये ताकत और कुव्वत अता फरमाई है कि वो अल्लाह की अता से जो है हर एक की मुश्किलात का जो है हल करते थे। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर कैंसर पेशेंट और दिगर मौलिक और मौजी बीमारियों वाले लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन अल्लाह ताला की अता से ये खाक दिया करते थे जिससे लोग शिफा पाते थे। आज वो हमसे जो है रूपोश हो चुके हैं, लेकिन औलिया इकराम का फैज़ जहाँ पर ज़ाहरी ज़िंदगी में जारी वसारी रहता है, वहाँ से करोड़ों दर्जा ज़्यादा उनका फैज़ जो है उनके विसाल के बाद जो है जारी वसारी रहता है। तो लिहाजा यहाँ पर आज लोग जो हज़ारों की तादाद में उनके जनाजा में शरीक हुए, लोग बहुत दुख में हैं, क्योंकि उनकी बारगाह में पहुंच करके लोगों को जो है सुकून हासिल होता था, चैन और आराम हासिल होता था। वो उनकी ज़्यारत करके लोग सुकून हासिल करते थे। आज वो हमसे रुपोश हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने जो उनको विलायत अता फरमाई है, उनका जो फैज़ान है वो बाद विसाल भी इंशाल्लाह जारी वसारी रहेगा। मुबारक वसलम निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। आज हज़रत क़िबला सैयद अत्तर हुसैन शाह मत्तू साहब का इंतकाल हो गया। पहले तो यह है कि हमें बहुत दुख है, और हकीकत यह है कि ये कुदरत का निज़ाम है। जितनी ज़िंदगी उसने अपने फ़जल से दी है और अपने ही कर्म से वो हर इंसान को मौत भी देता है, मगर मत्तू साहब के जाने से एक बहुत बड़ी खला पैदा हो गई। और अल्लाह के प्यारे वली थे, हर ख़ास व आम वहाँ जाता था, फैज़याब होकर के आता था। आज बाज़ाहिर उनकी जुदाई का हम सब को जो है बड़ा दुख है। आपने देखा है कि करीब लाख से मेरे ख्याल तजावज़ पब्लिक जो है वो उनकी नमाज जनाजा में आई। बस जो अल्लाह के हबीब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत करता है, और अल्लाह ताला उसको ऐसे नवाज़ देता है कि हज़ारों की तादाद में आप देखिए उनके उलमा जो हैं वो नमाज जनाजा में शरीक हुए। अल्लाह ताला उनके आखिरी दर्जात भी बुलंद फरमाए, और जिस तरह बाज़ाहिर वो रह करके अपनी जगह पर लोगों को फैज़याब फरमाते थे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला उनके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी उनके मज़ार से आवाम पब्लिक को जो है फैज़याब अता फरमाए। इससे हमें जो ये वक्त है और जिस तरीके से मतलब आज का ये जो जनाजा है, यकीनन ये एक हिस्टोरिकल जनाजा है। मैं ये कहूँगा कि एक लाख से ज़्यादा की तादाद में यहाँ पे लोग थे, और ख़ासकर जनाजे आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो औरतों की एक तादाद थी, बच्चों की तादाद थी, लोग अपने पीर से मिलने के लिए, आखिरी वो दीदार मतलब करने के लिए, चेहरा देखने के लिए किस कदर उत्सुक थे, और जो लोगों के अंदर जो एक क्यूरियसिटी थी ये देखते ही पता लगता था कि जो लोग अल्लाह वाले होते हैं, जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत हो जाए और आवाम किस तरीके से उनसे मोहब्बत करती है, ये चीज़ें यहाँ पे आया थी सारी सामने। मुझे लगता है कि एज ए मीडिया पर्सन शायद ही हमने इतना बड़ा कोई जम्मे गफ़ीर देखा हो, जिसमें इस तरीके से लोग अकीदत से आएँ, फिर लोग उसी अकीदत से, यानी कि आपने यहाँ पे देखा होगा जिस तरफ भी आप नज़र कर रहे थे, जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे था, उस हाईवे के चारों तरफ जिस जगह पे भी लोगों को गाड़ियों के लिए जगह मिली वहाँ पे गाड़ियाँ थी। यहाँ से अभी गाड़ियाँ जाने में मुझे लगता है रात के कम से कम 6 या 7 बजेंगे, क्योंकि इस कदर यहाँ पर पूरा ब्लॉकेड है। और पुल पर देखें आपके ये जो ब्रिज है जिससे लोग क्रॉस हो रहे हैं, इस पर लोग आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस हो रहे हैं, 200 आदमी को 100 आदमी को छोड़ा जा रहा है, यानी ऐसा ना हो कि ब्रिज जो है वो कलेप्स हो जाएँ। तो ये चीज़ें जो हैं चीज़ें दर्शाती हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम बात करते हैं, हम ईमान वाले हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। भाई नमाज जिसने पढ़ी है वो आज दिखती है, और जो ईमान वाले हैं वो आज नज़र आ रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं इस तरफ हमें एक इशारा करती हैं कि अगर हम रियली जो मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से हो, अपने लोगों से हो, और हम अगर अपने रब से मोहब्बत करते हैं, तो वो इस कदर करें कि फिर जब इस दुनिया से जाएँ तो फिर इस तरीके से लोग मोहब्बत और दुरूद पाक का जो है वो विर्द करते हुए जाएँ, और लोग ये कहें
कि ऐसे लोगों के साथ इनके जनाजे में शमूलियत करके भी अपने आप को बड़ा समझें, तो आप यकीन जानिए कि इस तरीके के ये जो वाकात हैं, ये जो टाइम है, ये जो चीज़ें हैं, ये हिस्ट्री बनती है। और फिर ये चीज़ें सामने आती हैं कि अक्सर जब अच्छी चीज़ें दर्शाई जाएँ या समाज सोसाइटी में अच्छे लोग हों, तो वो इस तरीके से जब अल्लाह वाले गुजरते हैं तो इंसानों के दिलों और जहनों को सुकून मिलता है। आज जनाजा पढ़ के जितना सुकून मिला, मुझे लगता है कि असल हकीकत यही है। और रब वाले जो हैं, उनके साथ आना, उनके साथ बैठना, उनसे बात करना, वो तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस जनाजे में भी आज जितना सुकून था और जिस तरीके से लोग लाइनों में खड़े थे, 1,00,000 आदमी को इकट्ठा करना या खड़ा करना पुलिस के बस का रोग नहीं था, सिक्योरिटी का रोग नहीं था, लेकिन ये जो था लोगों ने, और ये अल्लाह की जो रहमत थी वो आज यहाँ पर बरसी है। तो मैं इस मौका पर यही कहूँगा कि हम जहाँ पर भी हैं, हम अपने लोगों से मोहब्बत करें। सैयद अतहर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हुआ, जिसके अंदर यहाँ एक अंदाज़े के मुताबिक 1,00,000 के करीब लोगों ने यहाँ नमाज जनाजे के अंदर शिरकत की है। नमाज जनाजा मामार कौम-ए-मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन साहब रज़वी दामत बरकातुहुम अलालिया सदर जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू उन्होंने अदा की है, जहाँ पे उलमा मशाइख मुफ्तियान किराम उलमा इस्लाम फजला हुफाज हुज्जाज किराम और अवामे अहले सुन्नत बहुत कसीर तादाद में थी और तिल धरने की जगह नहीं थी इस इलाके में, और बहुत बड़ा इलाका ये दरिया के करीब है जहाँ उनकी नमाज जनाजा अदा हुई। हज़रत पीर अतहर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मजजूब बुज़ुर्ग थे, और जो मजजूब होता है वो लाक़द में मूसा होता है। उनके होश हवास जो हैं वो खुदाए कुद्दूस के मुशाहदा के अंदर गर्क रहते हैं, फिर उन्हें ये भी पता नहीं होता खाया क्या है, पिया क्या है, पहना क्या है, कर क्या कर रहे हैं। इस तरह के लोगों के बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रुफ़ी अल-क़लम वअनिस-सलासा, तीन तरह के लोगों के से अल्लाह तबारक व तआला कलम उठा लेता है। अन्नाइमु हत्ता यस्तैक़िज़ा, कि वो सोया हुआ आदमी के जब तक वो बेदार ना हो, वो अगर कोई गलती भी कर दे तो वो लिखा नहीं जाता। असबी हत्ता याकुला, और इसी तरीके से बच्चा जब तक वो आकिल ना हो जाए, हत्ता यबलुगा, जब तक वो बालिग ना हो जाए। वल मजनून हत्ता याकुला, और इसी तरीके से वो आदमी के जिसके होश आवास या तो किसी दुनियावी फ़िक्र की वजह से और या मुशाहदा हक के अंदर उनके होश आवास गुम हो जाएँ, फिर अल्लाह ताला अपना कलम उनसे उठा लेता है। वो नमाज़ पढ़े ना पढ़े, वो रोज़ा रखे ना रखे, वो ज़कात दे ना करे, वो नेकी करे ना करे, लेकिन एक ये है कि शरीयत के साथ जो मजजूब होता है वो टकराता कभी नहीं है। हज़रत पीर अतहर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मजजूब बुज़ुर्ग हैं, और हकीकी मानों में अगर किसी ने मजजूब देखना हो तो वो हज़रत की ज़ात मुक़द्दसा को इसने देखा होगा, वो इसका मुशाहदा करता है। बाकी ढोंगी लोग तो कई तरह के हैं, शादियाँ भी कर रहे हैं, खाना पीना भी चल रहा है, बिल्डिंगें भी बन रही हैं, और उसके बाद मजजूब भी हैं। ऐसे लोग मजजूब नहीं, ढोंगी होते हैं। आप देखिए कि इन लोगों के दिलों के अंदर इनकी अक़ीदत और मोहब्बत, हज़रत अबू हुरैरा हदीस के रावी अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खुदा ताला जब किसी को चाह लेता है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर है, अल्लाह ताला जब किसी को चाह लेता है तो जिब्रील आमीन को बुलाता है, और बुलाने के बाद आसमान के अंदर ये ऐलान किया जाता है कि मैं फ़लां को अपना मैंने अपना महबूब बना लिया है, ऐ फरिश्तों तुम भी उसको अपना महबूब रखो। सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। सुम्मा यूज़ाउ लहुल कबूल फ़िल अर्द, फिर रूए ज़मीन के हर चीज़ के दिल के अंदर उस अल्लाह के वली की मोहब्बत डाल दी जाती है। अब आप सामने देख लीजिए, वहाँ कलाई से लेकर के मदाना तक ये सारी ये गाड़ियाँ ये किस चीज़ की गम्माज हैं, हर मज़हब का आया बंदा आया, ये किस चीज़ की दलील है। औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये दीवानगी आपने देखी, यहाँ लोग समझा रहे हैं, नहीं लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये दीवानगी का आलम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों के अंदर इनकी मोहब्बत पेवस्त कर दी है। और ये मोहब्बत जब हो जाती है तो हुब्बु शय तुमा मत, हदीस शरीफ में है कि जब किसी शय की मोहब्बत इंसान के दिल के अंदर पेवस्त होती है वो इंसान को अंधा बना देती है, और वो तो इंसान को बिल्कुल आंधा भी बना देती है और बहरा भी बना देती है। ये लोगों के दिलों के अंदर हजरत की मोहब्बत थी और उसी मोहब्बत का तकाजा है। बल्कि लोग क्या हैं, आपने तो सुना होगा कि कई बार शेर भी हजरत की बारगाह में जानो अदब आकर के उन्होंने तय किया है। जानवर और परिंद और चरिंद जो होते हैं उनके दिलों के अंदर भी अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देता है। अल्लाह ताला इन्हीं वलियों के साथ हमें रखे, इन्हीं के साथ हमारा हश्र हो, इन्हीं के साथ अल्लाह ताला हमें उठाए। और मेरा नाम प्रीतम सिंह है, मैं मास्टर जी के साथ ही आया हूँ। हमारी गांव में और जलास का एक आदमी, मैं हिंदू बताता हूँ, रूपलाल है उसका नाम, वो बिल्कुल नहीं चल सकता था, बिल्कुल मतलब रोड बेड से नीचे नहीं उतर सकता। उनको ले आए इधर तो बिल्कुल ठीक ठाक वो चल के गए हैं, बहुत बड़े उपासक हैं। आज महसूस होता है कि इतने बड़े फ़कीर महसूस होता है, ये पब्लिक देख के, पब्लिक बेशुमार है और बेशुमार श्रद्धा है। गाड़ियों की हालत भी देख लो, कम से कम ये 3 घंटे लगेंगे इस जाम को टूटने में, तब बाकी बहुत श्रद्धा के साथ हम आए हैं।
बहुत बड़ी इनकी सिफतें सुनी हैं, आया तो नहीं मैं, लेकिन मास्टर जी आए हैं 3-4 बार इनके पास, कुछ ना कुछ आदमी को मिलता है तभी कोई आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इनका हमें बहुत दुख है जो संसार से चले गए, बहुत महसूस हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आखिर जाना सभी ने है। जय बड़ा एलओसी से रहते हैं बॉर्डर से। आज एक रूहानी शख्सियत जो हमारे बीच थी, बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत थी, और वो हमारे दरमियान से आज अल्लाह के हवाले हो गए, पर्दा फरमा गए। ये लोग मरते नहीं हैं, ये लोग सिर्फ पर्दा फरमाते हैं। तो एक बहुत बड़ा हमारा एक सतून था इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, नाम जम्मू कश्मीर का, सैयद पीर अतर शाह साहब, जिनके मशहूर मतलब के नाम पर हैं। ये पहले तो कहीं खामोश ही रहे, कुछ 10 साल हो गए जिन्होंने ज़ाहिर दुनिया पर अपना जो फैज था वो छोड़ा, और मुझे यकीन है कि इनके पर्दा पाने से बाद भी जो इनके मकबरे पर आएगा वो ख्याल लेके जाएगा। ये एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, जैसे कि साईं बाबा मीना गुंथने वाले शख्सियत थी हमारी इस पुंछ रिश्ते के अंदर, वही नक्शे कदम इनका भी था। और मैं ये यकीन से कहता हूँ कि जो भी इनके पास आया वो कभी खाली नहीं गया। मुझे भी टाइम मिला, कम बदकिस्मती से 2-4 बार मुझे भी टाइम मिला, और ये बड़े शख्सियत रूहानी ताकत थी। और दूसरा इनमें सबसे बड़ा कमाल ये था कि बगैर मजहब व मिलत, हिंदू मुस्लिम सब के साथ ये बराबर थे, कहीं कहीं का भी हो और सब के साथ ये बराबर रहे, और इनकी सबसे बड़ी काबिलियत ये थी।